अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नॉनवेज और वेज पिज्जा पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है ये। ये देखिए, ये नॉनवेज पिज्जा पुलाव है और ये है वेज पिज्जा पुलाव। मैं एक ही रेसिपी आपको बताऊंगी और किस तरीके से इसे नॉनवेज और वेज करना है। चलिए देखते हैं। इसमें हम पहले रेडी करते हैं हमारे पिज्जा सॉस। देखिए, पिज्जा सॉस के लिए हमें चाहिए एक प्याज, मैंने लिया है इसे स्लाइस करके ऐसा लंबा लंबा कट कर लिया है। 4 से 5 जो मैंने लहसुन के लिए है, 4 से 5 मैंने लिए है काली मिर्च, 4 से 5 मैंने तेज पत्ते लिए है और 4 हरी मिर्चें लिए हैं। आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 4 टमाटर। टमाटर के छिलके मैंने देखिए इस तरीके से उतार लिए हैं और मैंने लिया है 1 कप भर के टमाटो केचप। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा पिज्जा पुलाव। देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली है यहाँ पर। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी और ऑयल को अच्छे से गर्म होने तक वेट करूंगी मैं। देखिए, चलो चेक करते हैं, हमारी ऑयल ऑलमोस्ट हो चुके हैं गर्म। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ऑनियन, प्याज, कांदा, जो भी आप कहते हैं। देखिए, हमें प्याजों को इतना पकाना है कि हमारी प्याज नरम हो जाए। हमें प्याज को एकदम लाल नहीं करना है, सिर्फ नरम हो इतना हमें पकाना है, क्योंकि हमें इसे सॉस बनाना है, इसे कड़वा नहीं करना है। अगर ये जरा सा भी लाल हो जाएगी तो ये कड़वी हो जाएगी, मतलब हमारा सॉस कड़वा हो जाएगा। इसके लिए हमें प्याजों को बहुत एहतियात से पकाना है, बहुत ध्यान से। देखिए, हमारे प्याज जितने हमें चाहिए उतने पक चुके हैं, हल्के हल्के नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले, मिर्ची, लहसुन, तेज पत्ता, काली मिर्च, और इसे हम चलाते रहेंगे। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। देखिए, अब इसे पकने देंगे। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, एकदम यूनिक रेसिपी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटोज। टमाटो को भी देखिए, मैंने थोड़े थोड़े कट कर लिए हैं लंबे लंबे स्लाइसेस में। देखिए, अब टमाटरों के साथ इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक हमारे टमाटर थोड़े थोड़े गल ना जाए। देखिए, यहाँ गल रहे हैं हमारे टमाटर, हो चुका है ये, पक चुका है। अब हम इसे मिक्सी में डालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे टमाटो केचप है और उसके साथ हमें इसे पीसना है। चलिए, इसे भी ठंडा होने देते हैं, जब तक मैं आपको बताती हमें और क्या लगने वाला है। देखिए, ये है हमारे पनीर। देखिए, इसी ऑयल में मैं पनीर को फ्राई करूंगी थोड़ा हल्का हल्का। अगर आप कच्चा खाते हैं तो आप कच्चा ले सकते हैं। हम हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे इसको। देखिए, उसी ऑयल में मैं मिलती हूँ आपको। देखिए, ये हमें ठंडा हो गया है हमारा ये कांदे टमाटर। अब इसमें टमाटो केचप हम ऐड करेंगे। अब मैं आपको मिलती हूँ पीसने के बाद इसे। देखिए, पीस चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर तो देखिए बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत टेस्टी बना है ये सॉस। आप उसे ऐसे भी किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, पिज्जा बनाने में भी यूज कर सकते हैं ये सॉस को। चलिए चेक करते हैं हमारे पनीर। देखिए, मैंने इसे उलट पुलट करके फ्राई कर लिया है पनीर को। अब मैं उसी तेल में डालूंगी हमारे शिमला मिर्च। देखिए, मैं शिमला मिर्च को थोड़ा मोटा मोटा कट किया है मैंने, इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो पतला पतला काट के इसे कच्चा भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। देखिए, अब इस ऑयल में हम और ऑयल ऐड करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं चावलों का बघार। देखिए कैसे ऑयल हमारे गरम होने तक वेट करेंगे। हो गए हमारे ऑयल गरम। ये देखिए, मैंने 2 बड़े बड़े लहसुन के जवे लिए हैं और इसे बारीक बारीक इस तरीके से चॉप किया है। अब हम इसे तेल में पकने देंगे। देखिए, हमारे लहसुन पक रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे प्याज। मैंने 2 प्याज को लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया है। देखिए, अब इस ये स्टेज पे भी हमें प्याज को लाल नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि हमारी प्याज नरम हो जाए। क्योंकि देखिए, पिज्जा वगैरह या कोई भी चाइनीज चीजें होती है जो वो थोड़ी सी मतलब स्वीट होती है, मीठी होती है, तो इसके लिए कांदा हम इतना पकाएंगे तो ये कांदे में भी स्वीटनेस आती है। अब मैं भर के डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। देखिए, अब मैं इसमें इसे पकने दूंगी।
ये स्टेज पे। अभी मेरी गैस की फ्लेम हाई है, मैं अब लो करने जा रही हूँ। लो फ्लेम पे मैं इसे पकने दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और मैं ऐड करूंगी इसमें 1 मैगी का क्यूब। आप इसे स्किप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। देखिए इस तरह ये शॉप पे अवेलेबल रहता है मैगी का क्यूब, आप स्किप डालना चाहे तो डाल सकते हैं और टेस्ट आता है, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। अब मसालों के साथ मैं इसे पकने दूंगी। मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम इसे अभी अच्छे से पकने देंगे। तब तक हम अपनी दूसरी चीजों की तरफ बढ़ते हैं। इसे लो फ्लेम पे देखिए ये पक रहा है, इसे पकने देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ लिए है 500 ग्राम्स राइस, 1/2 किलो के करीब चावल। देखिए बिरयानी राइस लिए है मैंने। देखिए ये पक चुके हैं हमारे मसाले। अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारे सॉस। देखिए थोड़ी सी सॉस मैं इसमें से बचा रही हूँ। मैं आगे क्या करने वाली हूँ, तकरीबन 1/2 कप तक का सॉस मैं इसमें बचा रही हूँ, बाकी सब मैं ऐड कर दूंगी मसालों के साथ। इस तरीके से अच्छे से इसे भी पकने देंगे लो फ्लेम पे, ताकि अदरक लहसुन का स्मेल पूरी तरीके से मसालों में से चले जाए। देखिए ये पक चुके हैं। मैंने राइस को भिगा के रखा था, वॉश कर लिया था मैंने राइस को। देखिए अब मैं ऐड करने के बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने राइस ऐड कर लिया है और मैंने 1/2 किलो चावलों में, 500 ग्राम चावलों में 2 ग्लास भर के पानी डाला है मैंने। अब हम इसे पकने देते हैं। देखिए साइड बाय साइड मैंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब कर लिए हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि मैं 1/2 कप पिज्जा सॉस में रख रही हूँ, उसमें से मैंने इसमें ऐड किया है और चिकन का पानी को ड्राई कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम इसे चेक करेंगे। अब दम देने के टाइम पे हम इसमें ऊपर से गार्निशिंग करने वाले हैं। देखिए चिकन का जो क्यूब मैं उसको पका रही हूँ, उसमें मैंने रेड कलर भी ऐड करने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से जो तली हुई शिमला मिर्ची थी हमारी, ये मैं कच्चे ऑनियन के स्लाइस से तथा क्यूब्स में से निकाल के मैं सजा रही हूँ। जितना खूबसूरत आप इसे कर सकते हैं, आप चाहिए तो आप कॉर्न बॉईल करके डाल सकते हैं, जो मशरूम खाता है वो मशरूम डाल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो भी चीज ऐड करना चाहते हैं, ऑलिव ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने बॉस खुद है, जो पसंद करते हैं, बेबी कॉर्न आता है वो डाल सकते हैं। देखिए पनीर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े ही मैं ऐड करूंगी और थोड़े मैं गार्निशिंग के टाइम ऐड करूंगी, और थोड़े से मैं चीज इसके ऊपर ग्रेट करूंगी इस तरह से। ज्यादा मुझे नहीं ग्रेट करना है, थोड़ा सा मैं ऐसा फैला के ग्रेट करूं, बाद में मैं मिक्स कर लूंगी इनको इस तरह से। देखिए मैंने इतनी ही चीज इस पे किया है। अब इसे ढक के मैं भाप आए तक पकने दूंगी। देखिए रेडी हो गए हमारे पिज्जा पुलाव। अब मैं मिलती हूँ गार्निशिंग के बाद। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये है मेरे नॉनवेज। देखिए मैंने चिकन में बताया था आपको रेड कलर मिक्स कर रही हूँ, ये है नॉनवेज। और मैंने देखिए वो जो सॉस बनाया था वो भी मैंने बीच में सर्व किया है इसके साथ। जिसको थोड़ा बहुत और स्पाइसी खाना है तो ये सॉस भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारे वेज पिज्जा पुलाव, ये भी मैंने चटनी के सॉस के साथ सर्व किया है। आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, उससे आने वाली सबसे पहली रेसिपी आपको दिखाई देगी, नजर आएगी। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।